आपका ऑर्गेनिक किचन गार्डन में स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे बीटरूट। तो देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना अच्छा साइज है बीटरूट का। और एक ये मैंने अभी निकाला था, देखिए कितने अच्छे साइज के बने हैं अब की बार। और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, देखिए। बहुत ही हेल्दी बीटरूट है फ्रेंड्स। और ये मेरा टमाटर का प्लांट है, इसमें देखिए रेड होने लगे हैं टमाटो, हल्के हल्का रेड होने लगा है। यहाँ पर भी एक छोटा सा टमाटर का प्लांट है, तो ये देखिए इसमें भी लगने लगे हैं टमाटर, छोटे छोटे से आने लगे हैं बिल्कुल, देखिए। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्लांट है। एक ही प्लांट है फ्रेंड्स ये, लेकिन काफ़ी फैला हुआ है और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग लगी हुई है इसमें, यहाँ पर भी है नीचे भी। और फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, तो इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है इसमें, छोटे से कंटेनर में ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे फ्रूट प्लांट सभी में कितना अच्छे से फुटाव स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। और मैंने इनकी कटिंग भी कर दी है, क्योंकि मुझे झाड़ जैसा नहीं बनाना, तो मैंने इसके नीचे से सभी स्टेम कट कर दी है। अब कितना अच्छा हो गया है ये। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरी सोप जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने फर्स्ट बार सीड के लिए ग्रो की है सोप, हर बार मैं कम करती हूँ और उसकी हार्वेस्टिंग छोटे में ही कर लेती हूँ जब छोटी छोटी होती है तभी। तो फर्स्ट टाइम है ये कि मैं सीड्स के लिए इसको रेडी कर रही हूँ। प्योर ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये यहाँ पर भी देखिएगा, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा बनने में, लेकिन हाँ इसके फूल काफी बड़े हो गए हैं, देखिए। यहाँ पर एक एरिया में अलग से मैंने और बीटरूट लगाए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं और हेल्दी हैं। आप इनके लीफ देखकर ही पता चल सकता है कि हाँ काफ़ी हेल्दी है ये। और यहाँ थोड़ी प्याज भी लगाई है फ्रेंड्स, ये देखिए इधर कुछ थोड़ा ज़्यादा लगाई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बन गई है, देखिएगा कितनी हेल्दी ग्रोथ हो गई है। अभी अभी मैंने सीड से ही तैयार की थी। अब मैं इनको धीरे धीरे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी, एक साथ तो नहीं करूंगी, पर हाँ धीरे धीरे जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। यहाँ पर मैंने किया है लहसुन ग्रो, तो लहसुन अभी सूखने लगा है, देखिए इनकी स्टार्टिंग की जो टिप है ये सूखने लगी है। जब ये पूरा सूख जाएगा तो मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कल हार्वेस्ट भी किया था पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उस टाइम। यहाँ पर है ब्रोकली जो मैंने थोड़ा लेट लगाई थी, लेकिन अभी भी लगना स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और ये है फ्रेंड्स मेरा ऑर्गेनिक धनिया, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, देखिए। यहाँ पर लगाए हैं फ्रेंड्स मैंने चने, तो मैंने चने को साग के रूप में भी काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है और इसमें फ्रूटिंग भी काफी अच्छी हो रही है, देखिए। अच्छी फ्रूटिंग हो रही है अभी इसमें, और पक भी गया है, कहीं 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 थोड़ा कच्चा है, तो जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगी फ्रूटिंग तो मैं इनको निकाल लूँगी, देखिए कितनी अच्छी हो रही है अभी। बहुत इजी है चने को ग्रो करना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी सभी का डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया है लगभग सभी प्लांट्स का, तो सभी में फ्लावरिंग खूब अच्छे से आने लगी है, देखिए। ये देखिए कनेर में भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है, कितनी अच्छी होगी। और जब ये सब खिलेंगे ब्लूम होंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी है। और मैंने पिछले साल ही अक्टूबर में ही ये प्लांट ग्रो किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है और कितना हाइट भी कितना अच्छा हो गया है इसका। और ये फ्लावर प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया था, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग दी है अब की बार मुझे, देखिए यहाँ पर
भी, ये सब सीड से ग्रो किए हैं मैंने। ये सनफ्लावर है फ्रेंड्स, अभी डाउन हो गया है क्योंकि इसकी हो चुकी है, टाइम हो चुका है काफ़ी टाइम से। अभी देखिए इसके सीड्स, देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, अब मैंने इसको सीड्स के लिए रेडी किया हुआ। कितना बड़ा फ्लावर था देखिए, तो कितने सारे सीड्स आएंगे मेरे पास और मैं फिर से ग्रो करूँगी इसको। और हमेशा मैं सनफ्लावर को सीड से ही ग्रो करती हूँ, मैं पौध लाकर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। देखिए कितना हेल्दी हुआ है, यहाँ पर इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए ये है लेमन ग्रास फ्रेंड्स, इसके पत्ते सारे सूख गए थे तो मैंने इसको अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दिया है। और ये देखिए अब इसमें फिर से ग्रीन लीव्स आ गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी अभी पूरी ग्रीन ग्रीन हो जाएगी और काफ़ी हाइट पर जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वाइट सदाबहार भी ब्लूम करने लगा है अब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी गुलदाउदी के प्लांट, इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की। ऊपर की सारी डंडियां जैसे इस तरह की थी सूखी, मैंने निकाल दी तो ये दोबारा से ग्रो हो गई है। यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे गुच्छों में ग्रो हुई है। इसका मैंने नहीं निकाला तो ये इसी में ही हो गई, अब इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रही है सभी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।